हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमने सेंटर आइडिया स्टार्ट किए थे, तो ये आपकी दूसरी पोयम है। ठीक है, तो ये दूसरी पोयम है जिसका नाम है आपका द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसका सेंटर आइडिया करेंगे। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्लास की जो पोएट्री है उसमें ये दूसरी पोयम है। किस किसी किताब में पहली पोयम जो है ये दे रखी है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और दूसरी पोयम दे रखी है द ट्रू ब्यूटी। किसी किताब में क्या है कि ये दूसरे नंबर पर दे रखी है, वो पहले नंबर पर दे रखी है। तो आपको नंबर्स के कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जितनी भी पोयम है वो सारी की सारी लर्न करनी है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले में ये पहले दे रखी है, वो बाद में दे रखी है, इस तरीके से। तो आपको मतलब क्या है कि जो आपका बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और आपके एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड, इनमें जो कॉमन है वो वाला पहले कराएंगे हम। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का आपको। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमने कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं हम कि ये जो है सेंटर आइडिया आपको लर्न करना है। लर्न करने का मतलब इसका टेस्ट भी देना है आपको कल। ठीक है, और दूसरी बात, सेंटर आइडिया होता क्या है वास्तव में, कि कवि के विचार होते हैं, यानी कि उसमें यानी सेंटर आइडिया ने कवि ने उस एग्जैक्टली पोयम में क्या कहा है, किस बात पर टारगेट किया है, उस बात को हम थोड़ा सा अपने वर्डों में लिख देते हैं कि कवि ने उस बारे में कहा है। तो वो सेंटर आइडिया अपना एक आइडिया कि यार एक आइडिया दे दे उसने, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बारात में नहीं गए, लेकिन उसमें आपसे पूछा यार मतलब कैसा खाना था वहाँ पर, यार मतलब एक आइडिया दे दे किस टाइप का था, या वहाँ पर लोग किस टाइप के आए थे, एक आइडिया दे दे। तो मतलब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दें कि वहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे आए थे, इस तरीके के आदमी आए थे, यही तो है आइडिया। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा, हमारा सबसे पहले हमने क्या बताई थी, सेंटर आइडिया लिखने से पहले आपको एक लाइन जरूर लिखनी है। पहले आपको पोयम का नाम लिखना है ऊपर, फिर एक लाइन लिखनी है कि द पोयम द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय सर हेनरी बॉटम। ठीक है, सर हेनरी बॉटम के द्वारा लिखी गई है। ये कहाँ पर काम आने वाले हैं, जब आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स वगैरह लिखोगे तो वहाँ पर दो नंबर क्लियर कराएगी, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, वास्तव में जो सेंटर आइडिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिएगा, ये रहा सेंटर आइडिया। In this poem, इस कविता में the poet describe the character of a happy man, यानी कि इस कविता में कवि वर्णन करता है एक character of a happy man, यानी कि एक जो है चरित्र का, यानी कि खुश रहने वाले व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन करता है। कौन? कवि। तो वो क्या है, द पोएट डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे हैप्पी लाइफ है ना, तो लाइफ किसकी होगी, किसी ना किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो उसके बारे में कवि ने वर्णन किया। यहाँ पे हैप्पी लाइफ भी लगा सकते हो, हैप्पी मैन भी लगा सकते हो, क्योंकि एक आदमी की ही लाइफ होती है। ठीक है, ए हैप्पी मैन, एक जो है खुश व्यक्ति, जो खुश किस्म का, जो खुश मिजाज जो व्यक्ति है वो, उसके बारे में। ठीक है ना, समझ रहे हो, ए हैप्पी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, यानी कि उसे कैसा होना चाहिए, एक अच्छे आदमी को, खुश नसीब आदमी को, खुश रहने वाले व्यक्ति को, खुश मिजाज व्यक्ति को इंडिपेंडेंट एंड स्वतंत्र रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑनेस्ट का मतलब समझ, ईमानदार रहना चाहिए, और ट्रूथफुल यानी कि सच्चा होना चाहिए। ठीक है, सच्चा होना चाहिए, क्लियर होगी बात। ही शुड बी फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स, यानी कि उसे, यानी कि फ्री, यानी कि उसे मुक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स अच्छी तरह से समझते हो, ठीक है, बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए, बैड मैनर्स से दूर रहना चाहिए, किसको, एक हैप्पी मैन। क्लियर है बात। ठीक है, जिस व्यक्ति का हैप्पी करेक्टर है उसको, या एक हैप्पी व्यक्ति को, ठीक है, कहाँ से दूर रहना चाहिए, यानी कि यदि आप खुश रहना चाहते हो जिंदगी में, तो कवि ने ये बात कही है, किसी व्यक्ति को यदि वो खुश रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा, उसे बैड मैनर्स से दूर रहना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ये चीज यहाँ से समझ में आ गई, शुड बी फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड बैड मैनर्स। क्लियर है, आगे देखिएगा, द पोएट टेल्स अस, यानी कि कवि हमसे कहता है, कवि हमें बताता है, ठीक है, क्या बताता है, ए हैप्पी मैन इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। अफेयर्ड का मतलब डरना, ठीक है, डरा हुआ, यानी कि डरने से है, यहाँ पर क्या बात है, डरने से। ठीक है, तो क्या है, वह अपनी मौत से, यानी कि वो मौत से नहीं डरता है, क्या है, ए हैप्पी मैन इज नॉट अफेयर्ड इन डेथ। ठीक है ना, वो अपनी डेथ से नहीं डरता है, अपनी मौत से नहीं डरता है। He is not jealous anyone, यानी कि वह किसी से जलता नहीं, यानी jealous नहीं होता है, किसी से क्या है, बिल्कुल भी jealous feel नहीं करता है, ना ही किसी से jealous करता है। Clear? He does not like flatterers, ठीक है, तो यहाँ पे कभी तुमने सुना है ना, अरे ओके, मतलब लड़की से वो फ्लैट कर रहा है, लड़की उस पर फ्लैट कर रही है, ठीक है, तो वो उस पर फ्लैट हो गया। फ्लैट माने क्या होता है, आप जानते हो, चापलूस,
चापलूसी करना फ्लैट माने जाए कि हम फ्लैट कर रहे हैं, यानी कि उसकी चापलूसी कर रहे हैं। तो यानी कि ही डिड नॉट लाइक, बोलते हैं चापलूसी से, जो चापलूसी होते हैं ना, जो चापलूसी करने वाले होते हैं, चापलूसों से हमें मतलब सावधान रहना चाहिए। तो जो एक हैप्पी मैन है वो चापलूसों से क्या करता है, यानी कि उनको लाइक नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता है। तो ही डिड नॉट लाइक फ्लैटर्स, क्लियर होगी बात। ही इग्नोर्स फॉल्स प्राइस, फॉल्स प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ फॉल्स का मतलब गलत नहीं, झूठी प्रशंसा को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। He ignores false praise, यानी कि वह झूठी प्रशंसा को क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। He loves to God, क्या करता है वह, यानी कि ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर से प्यार करता है, ठीक है। He passes, यानी कि अपना जो समय है, he passes his time, वह अपने समय व्यतीत करता है किसके साथ, with good books, अच्छी किताबों के साथ, और truly सच्चे मित्र के साथ, यानी समझ रहे हो ना, मित्र दो किस्म के होते हैं, एक सच्चा मित्र, एक आपका फेक फ्रेंड, ठीक है, ट्रू फ्रेंड एंड फेक फ्रेंड, ठीक है। तो समझ जाना आप बातों को, ठीक है। आप हमेशा, हम तभी तो कहते हैं आप पढ़ते रहो, आपके सबसे एक अच्छे व्यक्ति का, मैं कह रहा हूँ ये, मैं कह रहा हूँ ये कभी ने नहीं कही है कि एक सच्चे व्यक्ति का सच्चा मित्र सिर्फ उसकी किताबें होती हैं, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। किताबें कभी भी किसी व्यक्ति को गलत ज्ञान नहीं देती है, कभी भी, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। ही पासेस हिज टाइम विद गुड बुक्स, वह अपना समय अच्छी किताबों एंड सच्चे मित्र के साथ व्यतीत करता है, यानी पास करता है, उसके साथ में बिताता है। ही इज नॉट बी ओवरजॉयड, ठीक है, ओवरजॉयड, ओवरजॉयस लिख दीजिए, ओवरजॉयड कर दीजिए, मतलब क्या है, हिज अचीवमेंट, यानी कि जैसे हमें कुछ सक्सेस मिल रही है तो उस पर वो क्या है, ज्यादा ओवरजॉयड, यानी कि ज्यादा आनंद नहीं लेता है उस पर, ठीक है। तो ज्यादा गुस्सा नहीं होता है, जब कोई अचीवमेंट पाते हो तो हमें ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए, और जब हम दुखी में हैं, जब हम मान लीजिए कहीं पर फेल हो जाते हैं, तो हमें ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, ये एक हैप्पी मैन की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ही इज नॉट ओवरजॉयड या ओवरजॉयस इन हिज अचीवमेंट्स, यानी कि वह अपने जो कुछ अचीवमेंट किया है, हमने अचीव किया, कुछ प्राप्त किया है, उस पर हम उसे, यानी कि एक खुश किस्म वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ओवरजॉयड, यानी कि मतलब ये बोलते ना, अरे मतलब ये तो कमेंट करने लगा, ये मतलब इस पर क्या छोटी सी नौकरी लगी, और देखो अपने आप को कितना दिखा रहा था, मतलब हमें अपने मतलब छोटी सी अचीवमेंट पे हमें मतलब क्या है, ज़्यादा उस पर आनंद नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। ही डिसकॉन्सोलेट इन फेलर्स, यानी कि जब वो फेल हो जाए तो जब उस पर क्या अपसेट नहीं होना चाहिए, ये इन दोनों का। तो अंत में कभी क्या कहता है, अंत में कभी क्या कहता है, देखिएगा इन लाइनों पर, ये पंक्ति ये समझ लो पूरा इसका सार है, ये लाइन जरूर लिखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या है, द पोएट या पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट समझ रहे हो, यानी सेटिस्फैक्शन, क्या यहाँ पे एक वर्ड भी लगा सकते हो आप, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, यानी कि एक खुश रहने वाले व्यक्ति के, यानी कि एक अच्छे, यानी यहाँ पर सच्चे व्यक्ति की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन, यानी आत्मसंतुष्टि, यानी कि आज यदि मेरे पैरों में जूते नहीं है तो मैं संतुष्ट रहूँ, इस बात को सोच कर के, चलो मेरे पास जूते नहीं है, कम से कम मेरे पास पैर तो हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं, तो उनसे तो ज़्यादा संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब आपके पास में आज यदि आपके पास में मान लीजिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तब भी आप संतुष्ट रहो, अब खाने के पास आपके पास बहुत कुछ है फिर भी संतुष्ट रहो, और यदि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी संतुष्ट, यानी संतोष रहो अपने आप में, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूँ मेरे पास में कपड़े नहीं है फिर भी मुझे संतुष्ट रहना चाहिए, अपने आप में संतोष रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ जिंदगी में, यानी जब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास में जिंदगी ही नहीं है, उनके पास स्वस्थ नहीं है, कम से कम हम स्वस्थ तो हैं, तो इसलिए प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो संतुष्टि और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या है, एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, समझ पाए बातों को। तो आई होप कि ये वाला जो सेंटर आइडिया आपको बातों बातों में याद हो गया हो। देखो कैसा है कि मैं एक दो वर्ड इसमें अपनी ओर से और जोड़ देता हूँ, जैसे आपका ये देखिएगा, ही इज नॉट जेलस एनीवन,
ही डज नॉट लाइक लेटर्स इस तरीके से, क्यों इसमें से आपको छोटे छोटे वाइट टाइप के मतलब छोटे छोटे सेंटेंस टाइप के बना दिए, आप इसमें से 10 सेंटेंस याद कर लीजिए कोई भी और उनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर टाइम पे ये पहले आगे सेंटेंस लिख दिया आपने, ये बातें लिख दिया, ऐसे लिख देना कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब ये बातें लिख देनी चाहिए, ठीक है। एक आइडिया है कवि ने किस बारे में बात कही, किस बारे में टारगेट किया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई होप कि ये आप इंजॉय लेके आप इसको समझे होंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि सेंट्रल आइडिया पढ़ाए, आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाया, तो क्या आप इसी तरीके से पढ़ना चाहोगे, या आपको हो सकता है कि एक्चुअली मैं इंग्लिश पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा आपका। यदि आपको पसंद आ रही है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, तो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज आपको यदि पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपको बता देना, आपको मतलब प्रेशर में मत पड़ना कि हम यार मतलब वो समझ में नहीं आ रहा और हमें पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना, ठीक है। तो आई होप कि आपने अच्छी तरह समझा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जय।